हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहित कुमार, मैं आपको आपका अपना चैनल मोहगाछी ग्रीन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, वृंदावन श्री चली मथुरा में दिखाया, इसके बाद वृंदावन को टोटल टेंपल वगैरह जो है तो सभी चीज मैंने आपको दिखाया हूं। और अभी मैं आ गया हूं बरसाना, और बरसाना आया हूं तो आप लोग समझ ही सकते हो कहां आया हूं। राधे जी के टेंपल में आया हूं और ऊपर चढ़ रहा हूं। आप देख सकते हो दोस्तों, ऊपर कितनी चढ़ाई है। इधर आप देख सकते हो, ऊपर पहाड़ी पे बना हुआ है ये मंदिर। तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं और राधा रानी जी का दर्शन करते हैं, और इससे जुड़ी कुछ कहानियां हैं वह सभी चीज मैं बताता हूं। तो दोस्तों, आप इस जय तो इस वीडियो में दोस्तों आप बने रहिए। तो दोस्तों, हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, बहुत ही चढ़ाई है, इतना ही में हम लोग थक चुके हैं। ऐसे आपको मोटरसाइकिल की सुविधा मिल जाएगी। मोटरसाइकिल वाले जो है वह आपको 50 रुपए पर व्यक्ति लेगा और ऊपर चढ़ा देगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए, लौटा हूँ फिर अगले कुछ ही क्षणों में आपसे। फाइनली दोस्तों, लगभग हम लोग मंदिर पर पहुंचने वाले हैं, और बहुत चढ़ाई है दोस्तों। तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है तो आने में दोस्तों थोड़ा तकलीफ होती है। सामने देख सकते हो दोस्तों, श्री लाडली जी महाराज बरसाना। राधे राधे। दोस्तों, देख सकते यही है श्री लाडा राधा लाडली जी महाराज, क्योंकि बरसाना के लोग राधे जी को प्यार से लाडली जी ही कहा करते थे, इसी कारण लाडली जी महाराज के नाम से मंदिर है। और अभी मंदिर खुला नहीं है, 5 बजे खुलने के समय है, और भीड़ देख सकते हो दोस्तों कितनी है। आप भीड़ देखो दोस्तों कितनी है। और इधर आपको मैं कीर्तन दिखाता हूँ, राधा जी के नाम से कीर्तन चल रही है। और सभी लोग इसमें डांस वगैरह कर रहे हैं। दोस्तों इधर देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, राधा लाडली जी महाराज के मंदिर में कितनी भीड़ लगी हुई है। और जस्ट इस साइड दोस्तों आप देख सकते हो, पूरा बरसाना गांव यहां से नजर आती है। और इधर से देखो दोस्तों, पूरा बरसाना गांव यहां से नजर आ रहा है। और
हमारे दोस्तों मंदिर जो है खुल गया है और भीड़ भी अब थोड़ा कम हुई है, तो चलते महाराज का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद आता हूँ दोस्तों, तो इस मंदिर के बारे में और यहाँ के बारे में जो मान्यताएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी भी भीड़ काफी है लेकिन जाना जरूरी है क्योंकि इसके बाद नंदगांव भी जाना है, तो चलते हैं दोस्तों ऊपर चलते हैं। बोलो राधे रानी की जय। अभी अभी आपने देखा होगा वीडियो में कि मैंने बहुत मकसद के बाद राधा रानी का दर्शन कर लिया हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन किया हूँ। इधर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो फर्श है यहीं पे बरसाना की जो होली जो फेमस है वह होली यहीं पे खेला जाता है। ये आप देख रहे हो यहीं पे बरसाना की होली खेला जाता है दोस्तों। इस वीडियो में आप बने रहिए और राधा रानी के बारे में बात होता है। इधर आप देख सकते हो पूरा दिखाया हूँ, पूरा गाँव इधर से दिखता बरसाना गाँव। और दोस्तों जो राधा रानी जो थी उनकी जन्म जो हुआ था वह रावड़ी नाम के गांव है वहां पे हुआ था, लेकिन उनको कंस से बचाने के लिए यहां पे लाए थे उनके पिताजी जो थे। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि राधे रानी का जो पिताजी का नाम क्या था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वही उनको यहां लेकर के आए थे कंस से बचाने के लिए और कंस के राक्षसों से बचाने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण को कंस के राक्षसों से बचाने के लिए जो नंद गांव है उस नंद गांव में लेकर के गए हुए थे। तो दोस्तों इधर देख सकते हो यहीं पर बरसाना का जो फेमस होली है, बरसाना का नाम लेते ही दो चीज याद आता है, एक राधा रानी का नाम याद आता है और एक होली, एक बहुत फेमस भी है राधे 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 बरसाने वाले राधे गाना भी है। इसी में जो है पूरा यहाँ पे होली खेला जाता है, पूरा होली के रंग से यह फर्श भीग जाता है और यही है बरसाना। फाइनली दोस्तों इस वीडियो में मैंने राधा रानी जी का दर्शन कर लिया हूँ और यहाँ आने के बाद क्या जाए तो दोस्तों यहाँ आप कैसे पहुँचोगे, तो आप यहाँ का नजदीकतम जो रेलवे स्टेशन जो है वह मथुरा है, क्योंकि मथुरा से हर जगह की ट्रेन मिल जाएगी आपको, तो मथुरा आइए और मथुरा से आपको डायरेक्ट उत्तर प्रदेश का जो बस चलता है नगर निगम वाली बस, वो बस पकड़ करके डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते हो। मथुरा से डायरेक्ट यहाँ बरसाने की बस मिलती है और यहाँ आ ही गए हो दोस्तों बरसाने तो पास में ही 7 किलोमीटर की दूरी पर है नंदगांव, नंदगांव भी चले जाइए और वहाँ भी नंद बाबा का महल है, वहाँ वह दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही तरह दिखा रहा हूँ, अगला वीडियो जो आएगा वह नंदगांव का वीडियो आएगा और नंद महल का वीडियो आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जाइए मेरे इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर ले। मैं रोहित कुमार मोहगा सिकरी, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। और हाँ, राधे राधे।